स्वागत है फ्रेंड्स रांची संदीप ब्लॉग्स में। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं गाइस झारखंड का जनजातीय संग्रहालय। झारखंड की सांस्कृतिक और विशेषता जानने के लिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। झारखंड की राजधानी रांची में चहल पहल हालांकि अधिक हो, परंतु जीवन में स्थानीय संस्कृति और अपनी सामाजिक संस्कृति और सजगता के लिए जानी जाती है। वैसे तो रांची में ऐसे अनेक संस्था और भवन हैं जिनसे राजधानी की पहचान बनती है, लेकिन आदिवासियों के जीवन, रहन सहन, सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाता है, जनजातीय विशेष पहचान रखता है। झारखंड की जीवन में कई रंग हैं और हर रंग की अपनी अलग अलग कहानी है। रंगों को कौन भरता है ये देखना है तो प्राकृतिक के गोद में बसे झारखंड के जनजातीय संग्रहालय में आइए, जहां झारखंड में निवास करने वाली जनजातियां से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही सुंदर और काल्पनिक शिल्प प्रदर्शनी में आदिवासियों का रहन सहन दर्शाती है। म्यूजियम घुसने से पहले रामदयाल मुंडा का तस्वीर इस तरह दिखाई गई है, जहां उनकी जन्म और मृत्यु की सारी घटनाएं लिखी गई है। उनका जन्म 23 अगस्त 1939 में हुआ था और मृत्यु 30 सितंबर 2011 को हुआ था। तो चलिए हम लोग संग्रहालय के अंदर प्रवेश करते हैं। यहां भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति बनाया गया है और भगवान बिरसा मुंडा का मरण और जीवन सारी गाथाएं यहां पे लिखी गई है। तो इस तरह की हर जगह अपनी अपनी उल्लेख बताई गई है। इस जनजातीय संग्रहालय में कई झांकियां दिख जाएगी। यहां आदिवासी संस्कृति के रहन सहन दिखाई जाएगी। इन जनजाति संग्रहालय में झारखंड की आदिवासी की विविधता मौजूद है। प्राकृतिक के साथ सोते, जागते, हंसते, खेलते झारखंडी की एक छोटी सी जीवन इस संग्रहालय में दिखाई जाती है। झारखंड समाज के इतिहास और आस्था और विश्वास देखकर पता चलता है कि झारखंड एक बहुत ही सांस्कृतिक, यहाँ पे झारखंड की सांस्कृति खेत खलिहान में कैसे पूर्वज काम करते थे और अभी कैसे किसान लोग काम करते हैं वो दिखाया गया है। हर जनजाति की एक यहाँ पे विशेषता लिखी गई है और उनकी जनसंख्या, जैसे कि ये गोंड है तो गोंड जाति की कितनी जनसंख्या है, सारी यहाँ पे बोर्ड पे लिखी गई है। तो चलिए अभी और भी जनजातियों को बारी बारी से मैं दिखाता हूँ और आप खुद देख लीजिएगा कि बोर्ड में उनकी नाम और कौन सी जनजाति है, कितने जनसंख्याओं में पाए जाते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, वो भी आपको इस बोर्ड में दिखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं इस तरह की जनजातियाँ झारखंड में पाई जाती है। रामदयाल मुंडा जनजातीय में झारखंड के 32 आदिवासी समुदाय के पारिवारिक जीवन में मानवीय स्थितियाँ और प्रमाणित ढंग से प्रदर्शित किया गया है। इनके मानव विज्ञान और सामाजिक शास्त्र के कुछ अध्ययन के लिए कुछ विद्यार्थियों को बहुत उपयोगी साबित होता है। अगर आप कोई कंपटीशन में झारखंड का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे सारी संस्कृति और झारखंड की जनजाति के बारे में बताया गया है। इन्हें जानकर आप अपनी विज्ञान और समाजशास्त्र को सुधार सकते हैं और मानव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही तरक्की कर सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे झारखंड का जो संग्रहालय है, जहाँ पे आदिवासी और हमारे पूर्वज किस तरह रहते थे वो दिखाया गया है। तो भाई लोग से जानते हैं किस तरह लगा, आप लोग किस तरह लगा यहाँ? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। यहाँ का जो डिस्क्राइब किया गया है, पहले के जनजाति लोग का जो कैसे रहता था उसका वर्णन किया गया, हर तरीके से दिखाया गया। ज्योग्राफिक, इसका ज्योग्राफी से मतलब कैसे रिलेटेड था, अपना अपना जो कल्चर को कैसे संभाल के रखा हुआ है, वो सब सारा चीज़ बताया गया है। कहाँ से आए आप? हम हजारीबाग से आए सर। हजारीबाग से आप कहाँ से आए भैया, कैसा लगा? हम भी हजारीबाग से आए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। यहाँ क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का जो यहाँ का प्राचीन कला को और यहाँ के संजो करके रखा गया है, बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर हम लोग। क्या नाम हुआ?
मेरा नाम जीवाधन प्रसाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं इस तरह से काफी दूर दूर से आते हैं, तो चलिए चाची लोग भी आए। तो चाची लोग कैसा लगा आप लोगों? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। कहाँ से? मोराबादी स्थित जनजातीय संशोधन संस्थान की स्थापना 31 अक्टूबर 1953 को हुई थी। कल्याण विभाग द्वारा संचालित डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय संशोधन संस्था का यह जनजातीय संग्रहालय झारखंड की आदिवासी संस्कृति और जनजातीय जीवन और कला का अद्भुत केंद्र है। इस संग्रहालय के माध्यम से जनजाति जीवन शैली को देखा और महसूस किया जा सकता है। आदिवासी के विकास से संबंधित मामलों में जनजातीय संशोधन संस्था का महत्वपूर्ण भूमिका है। यह संस्था राज्य के आदिवासियों को सूची बनाता है। संस्था द्वारा आदिवासियों की भाषा, रहन सहन, खान पान, संस्कृति पर शोध अध्ययन किया जाता है। सरकार की विभिन्न योजनाओं से आदिवासियों के जीवन में आने वाले परिवर्तन पर भी काम हो रहे हैं। यह प्रदर्शित सभी कलाकृति आदिवासियों द्वारा ही बनाई गई है। इस संग्रहालय का उद्देश्य जनजातीय जीवन शैली को समझना और उसे आम जनता तक पहुंचाना है, पर यह प्रचार प्रसार के अभाव में ज़्यादातर लोग ना तो जनजातीय संग्रहालय को जाते हैं, ना ही जानकारी ले पाते हैं। दिन प्रतिदिन यहां आने वाले लोगों की संख्या घटती ही जा रही है। संग्रहालय के निदेशक इसमें बदलाव और लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया है। यह जनजातीय संग्रहालय अत्यंत प्राचीन मूर्तियां, कलाकृति के साथ जनजातीय जीवन शैलियां से संबंधित वस्तुएं जैसे कपड़े, जनजातीय आभूषण, वाद्य यंत्र, अन्यता, मुंडा, उराव सबकी जातियों से जुड़ी जानकारियाँ हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी सरकार इसके प्रचार प्रसार को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है ताकि इसके अस्तित्व को बचाया जा सके। इस म्यूजियम को प्रदर्शनी को साकार रूप देने में अमिताभ मुखर्जी के बहुत ही बड़ी भूमिका है। इसके बनाई हुई मूर्तियां दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। अमिताभ मुखर्जी के द्वारा 250 मूर्ति का निर्माण किया गया है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन कुछ विशेष योजनाएं होती है, जहां झारखंड के नायकों का जन्म, प्रारंभिक जीवन शैलियाँ और शिक्षा, जेल की गिरफ्तारी रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां समाज के संघर्षों को जानने और समझने में मदद मिल सके। अपने नायकों से प्रेरणा लेकर ना कि झारखंड बल्कि शेष भारत में भी अपनी इतिहास और विविध रंगों से परिचित होती है, और इस इतिहास से हमारे पूर्वज की गाथा को जानी जाती है और आने वाली पीढ़ी अनुभव करती है, और यही जीवन निरंतर समाज को परिचय देता है कि किस तरह से हमारे पूर्वज मेहनत किए और किस तरह का रहन सहन झारखंड में लोगों के बीच रहा। इस तरह से बोर्ड लगाकर सभी जातियों को जानकारी मिल जाती है और कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है वो भी डिटेल इस जनजातीय संग्रहालय में लिखी गई है, और लोग किस तरह गांव घर में और झारखंड के लोग किस तरह हर जनजाति कौन कौन से कार्य करते हैं और क्या उनके पास जीने खाने का व्यवस्था है वो सभी संग्रहालय में दिखाया गया है। ये भाला और छोटी मोटी जितने भी ये हथियार हैं ये लड़ने के लिए और उन जानवरों से बचने के लिए
यूज किए जाते थे और इसका इस्तेमाल लोग अक्सर शिकार के लिए भी किया करते थे। और ये जितने भी आपको मैं ये दिखा रहा हूँ सभी संग्रहालय में उपस्थित है। ये भाला वगैरह जितना भी है ये शिकार के लिए अपना बचाव के लिए यूज किया गए थे। अब किसी भी जनजाति का यहाँ पे वर्णन किया गया है, देख सकते हैं इस तरह से सभी लोग अपना जीवन यापन। ऐसा लगता है कि सच में हम लोग वास्तविक जीवन में घुस गए हैं और किसी दूसरी दुनिया में हम लोग आ गए हैं। यहाँ इस संग्रहालय को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है और बनाया गया है कि आपको लगेगा कि हम किसी और दुनिया में आ चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जाएं और इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इस तरह का वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ, इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप झारखंड में हैं या कहीं झारखंड से बाहर हैं तो दोस्तों इस संग्रहालय को देखना ना भूलें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये जनजातीय और हमारे जितने भी पुराने ज़माने में कैसे रहते थे, कौन कौन जाति है और कौन कौन सी विशेषताएं इन जातियों में, कितनी पॉपुलेशन है, सारी भूगोल से ले के सारी इतिहास इस संग्रहालय में संग्रहित करके रखा गया है। तो इस म्यूज़ियम को खासियत यही है कि हमारे जितने भी पूर्वज थे किस तरह रहते थे और किस तरह जीवन यापन करते थे सारी यहाँ पर विशेषता बताई गई है। तो आके आप एक यहाँ झारखंड का कुछ नॉलेज भी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लग रहा है वो ज़रूर बता दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कौन कौन आए हुए हैं वो भी बता दें और किसने रांची में रह के भी झारखंड संग्रहालय ना देखा हो वो ज़रूर बता दें दोस्तों।